मैं जब 15 साल का था, एक दिन मेरी माँ ने शॉपिंग जाते वक्त मुझे घर संभालने के लिए कहा। अंधेरा होने लगा था और मुझे ध्यान आया कि मेरा छोटा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि शायद उसे पता हो कि वो कहाँ गया है, और उसने बताया कि वो पास के पार्क में सॉकर लेके खेलने गया है। मैंने उसे घर की निगरानी करने के लिए बोला और दौड़ता हुआ पार्क की ओर गया। जब मैं वहां पहुंचा, पार्क को बिल्कुल खाली देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने अपने भाई का नाम भी पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुझे चिंता होने लगी और तभी अचानक मुझे बाईं ओर से एक धीमी सी दबी हुई आवाज आई। मेरे मुड़ते ही मैंने देखा कि एक लंबी सी परछाई उस ऊंचे फेंस के पीछे गायब हो रही थी। मैं पूरी तेजी से उस तरफ भागा और जब मैं फेंस की दूसरी ओर पहुंचा, मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मानो डर के मारे मेरी सांसें ही रुक गई हों। एक लंबा सा आदमी मेरे छोटे भाई को गलियारे में घसीटता हुआ ले जा रहा था। गुस्से के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं उन्हें संभाल ना सका। मैं उसकी तरफ दौड़ा, पर उसने शायद मुझे आते हुए सुन लिया, क्योंकि उसने मेरी तरफ देखा और मेरे भाई को जमीन पर ही गिरा दिया। उस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसकी तरफ इतनी तेजी से दौड़ा कि जब मैं उसे टकराया, वो जमीन पर जा गिरा। गाली देते हुए उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। लात मारते हुए मैं उसे सवाल पूछने लगा और फिर मैं अपने भाई को गोद में लेकर पूरी तेजी से घर की ओर दौड़ने लगा। तब तक बाहर घना अंधेरा हो चुका था और मेरी माँ भी घर पर आ चुकी थी। वो चिंता के मारे बहुत परेशान थी और हमारे चेहरे देखते ही वो जान गई थी कि जरूर कुछ बुरा हुआ है। सारी बात बताते बताते मैं और मेरा भाई दोनों रोने लगे और हमें देखकर हमारी माँ भी हमारे साथ रोने लगी और हमें गले लगा लिया। और फिर आखिर में पुलिस को भी बुलाया गया, पर वो आदमी फिर कभी नहीं दिखा।